साथियों, ये देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे यहां गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया। इसमें एक दृष्टि पर्यावरण की भी रही। माना गया कि चलिए पर्यावरण से जुड़ा कोई अच्छा काम हो रहा है, सांप्रदायिकता का रंग नहीं रंगा उसे। वैसे ही अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर, काशी में हो रहे कार्यों को लेकर, प्रयागराज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं। और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। साथियों, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो दो साल पहले 2019 में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हज करने लिए, उमरा करने के लिए गए थे। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में 2 साल पहले 2019 में करीब करीब 1 करोड़ लोग वहां के चर्च और म्यूजियम को और पोप के दर्शन करने के लिए गए थे। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की है, आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई है, लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, हर तरफ साफ सफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन भारत में अगर हम उसी दिशा में कुछ काम करें, लोगों की सुविधा की चिंता करें, नागरिकों की भलाई के लिए काम करें, तो इनको वो सांप्रदायिक चश्मों से ही देखने की कोशिश करते हैं। आप खुद देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के बाद वहां आने वाले भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वहां गरीब से गरीब को अब रोजी रोटी के नए अवसर मिल गए हैं। जो आने वाले लोग हैं उनमें आस्था भी है और ये नया परिवर्तन आया उसका कौतूहल भी है। बनारस में जो विकास के काम हो रहे हैं वो काशी और इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलेंगे। और प्रयागराज के लोग तो हर कुछ साल में देखते हैं कि जब कुंभ का आयोजन होता है तो कैसे उसमें आस्था के साथ आजीविका भी जुड़ जाती है, यहां के अनेक लोगों को रोजी रोटी के अवसर खुल जाते हैं। ऐसे ही बद्रीनाथ, केदारनाथ में विकास कार्यों के बाद वहां भी आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है। मुझे भी वहां के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि कोरोना के पहले केदारनाथ में अब तक जितने लोग आए होंगे प्रतिवर्ष उससे ज्यादा डबल डबल संख्या में लोग आना शुरू हुए, तो पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी चल रही है। भाइयों बहनों, जब भक्तों की संख्या बढ़ती है, यात्रियों की संख्या बढ़ती है, टूरिस्टों की संख्या बढ़ती है, तो रोजी रोटी देती है कि नहीं देती है, रोजी रोटी देती है कि नहीं देती है, गरीब से गरीब को काम मिलता है कि नहीं मिलता है, शहर में टैक्सी चलाने वाला हो उसका भी रोजगार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, रास्ते के किनारे पर जो फूल बेचता है उसके फूल बेचने वाले की भी कमाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जो छोटी छोटी सराय लेता है काम करता है
उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, जो अच्छी होटल चलाते हैं उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो वहां की पूरी रोजी रोटी तेज गति से बढ़ती है। हम जो काम कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान अब उस तरफ आने वाला है और ये सारे स्थान आर्थिक गतिविधि का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। और इसलिए हमारी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है और मुझे बताया गया है कि 3 साल के भीतर ही ये जो हमारा प्रयागराज एयरपोर्ट अभी अभी बना और हमें कम समय में बनाया, समय से पहले बना दिया, प्रयागराज एयरपोर्ट में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हो चुकी है। भाइयों, लखनऊ और वाराणसी के बाद आज प्रदेश में ये आंकड़ा छूने वाला प्रयागराज हमारा तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। साथियों, बात एयरवे कनेक्टिविटी की हो, हाईवे कनेक्टिविटी की हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो या रेलवे कनेक्टिविटी की हो, हम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ना चाहते हैं। योगी जी की सरकार इसलिए ही यूपी में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनवा रही है, नए एयरपोर्ट्स बनवा रही है। इन विकास कार्यों की गति ना रुके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार बननी जरूरी है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।